आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज औराद विधानसभा क्षेत्र के बल्लूरजे गांव में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के केंद्रीय कार्यों का भूमि पूजन किया। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने, बोर्ड आज कर सकता है ऐलान। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 किलोमीटर दूर गुरुचट्टी में हुआ हादसा। आईआरसीटीसी कैम्प, कोर्ट का तेजस्वी की जमानत खारिज करने से इनकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यों से अपील, जेट ईंधन पर घटाए टैक्स। यूपी में डेंगू मलेरिया के बढ़ते केसों को देखते हुए डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई। गेहूं की एमएसपी 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल की गई, कैबिनेट का फैसला। बिग बॉस 16 खत्म नहीं हो रहा है, संबुल का रोना धोना, बनवा रही अपना मजा, यूजर्स बोले शो से निकालो। तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने बुलाया मार्शल। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में गैंगस्टर पर एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड अटैक, यूपी के कनौज निवासी 2 मजदूरों की मौत। पीएफआई केस, पटना से फुलवारी शरीफ में 2 स्थानों पर एनआईए का छापा। मुंबई एयरपोर्ट आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। यूक्रेन के पास रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, कम से कम 4 लोगों की मौत। पंजाब अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया, करीब 2.5 किलो हीरोइन बरामद। पीएम मोदी आज 9वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल की राजधानी के तौर पर यरूशलेम को दी गई मान्यता वापस ली। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं यूएन महासचिव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अशोक गहलोत गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। एमपी कटनी जिले में नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। वैशाली टक्कर सुसाइड केस, अपनी आंखों से था वैशाली को प्यार, मरने के बाद चाहती थी दान करना। श्रीलंकाई लेखक शेहान को कथा साहित्य के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। दिल्ली दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पोर्नोग्राफी केस में फंसने के बाद क्यों पब्लिक में चेहरा छिपाते हैं राज कुंद्रा, ट्रॉल से बोले प्लीज मुझे मत छेड़ो। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।